हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है सोनी, डायरेक्टर महेंद्रल इंस्टीट्यूट। लेकर आया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 4 से आगे एसआरई के अंदर। पिछली वीडियो के अंदर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और इसके इंट्रोडक्शन के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज स्टार्ट करते हैं सेक्शन 4 के साथ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो और वीडियोज़ को शेयर कर दिया करो और लाइक भी किया करो। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 4 को। सेक्शन 4 आपका बोल रहा है स्पेसिफिक रिलीफ टू बी ग्रांटेड ओनली फॉर एनफोर्सिंग द इंडिविजुअल सिविल राइट्स एंड नॉट फॉर एनफोर्सिंग द पेनल लॉज। जैसा पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि ये जो एक्ट है टोटली आपका सिविल लॉ पे बेस्ड करेगा, सिविल प्रोसीजर की तरह इस एक्ट को हमने पढ़ना है। तो ये जो सेक्शन 4 है आपका यही बता रहा है कि इनके अंदर ना सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, पूरी एसआरए के अंदर जो भी आपकी रेमेडीज आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी, जो भी राइट्स आपके एनफोर्स किए जाएंगे, वो सिर्फ आपके सिविल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए सेक्शन 4 डाल रहा है। पूरा जो एसआरओ होगा वो आपको सिर्फ सिविल राइट्स जो आपके हैं उन्हीं को इन्फोर्स करेगा, सिविल रेमेडीज आपको प्रदान करेगा। तो सेक्शन 4 की लैंग्वेज क्या बोल रही है, स्पेसिफिक रिलीफ कैन बी ग्रांटेड ओनली फॉर द पर्पज ऑफ एनफोर्सिंग द इंडिविजुअल सिविल राइट्स। ये जो पूरा एसआरए होगा उसके अंदर आपको स्पेसिफिक राइट आपका है, स्पेसिफिक आपको जो भी रेमेडी मिलेगी वो सिर्फ आपके सिविल इंडिविजुअल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए दी जाएगी एंड नॉट फॉर द मियर पर्पज ऑफ एनफोर्सिंग द पेनल लॉज। जो पेनल लॉ में आपके जो भी राइट्स होंगे उनका इनको एनफोर्स करने के लिए ये एक्ट आपका किसी भी तरीके से एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके अंदर सिर्फ आपको सिविल राइट्स को ही एनफोर्स करने दिया जाएगा। ये सेक्शन 4 था। अब सेक्शन 5 ऑनवर्ड्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन स्टार्ट हो रहे हैं। सेक्शन 5 और 6 जो होगा वो आपका इमोबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको अगर इजेक्टमेंट करी जाए तो उनके साथ डील करेगा, जिसमें सेक्शन 6 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा, जिसके अंदर जो आपके टेनेंट वगैरह है ना, जो प्रैक्टिकली लाइफ में अगर देखोगे तो उसके हिसाब से आपका सेक्शन 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले स्टार्ट करते हैं सेक्शन 5 को, समझेंगे क्या बोलना चाह रहा है, किन किन प्रॉपर्टीज को डील करेगा, किस तरीके से उसके राइट को आप एनफोर्स कर सकते हो। ये सेक्शन 5 में 6 के अंदर बताएगा कि कब एक पर्सन को जब इजेक्टमेंट कर दिया जाएगा तो किस तरीके से वो अपने राइट को एनफोर्स करवाएगा, उसके अंदर किन चीज़ों को प्रूव करना पड़ेगा। 5 और 6 में थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, उसको हम लोग देख लेंगे। तो चलिए सेक्शन 5 देखते हैं पहले। जैसा पार्ट सेकंड और चैप्टर नंबर आपका फर्स्ट बोल रहा है, स्पेसिफिक रिलीफ की बात कर रही है आपका चैप्टर, जिसके अंदर रिकवरी पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी की बात करेगा। तो आपका जो भी पोजीशन होगा ना, प्रॉपर्टी का पोजीशन वापस दिलवाने के लिए आपका चैप्टर इंसर्ट किया गया। तो इस सेक्शन के अंदर 5 में बोलते हैं रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमोबल प्रॉपर्टी, मतलब जो आपका सेक्शन 5 और 6 है वो आपका टोटली बेस्ड है इमोबल प्रॉपर्टी के अंदर। तो उसकी प्रॉपर्टी को रिकवर करना, इसका मतलब ये है कि पहले आपके पास प्रॉपर्टी थी, उसके ऊपर किसी और पर्सन ने कब्जा कर लिया, आपको वहाँ से प्रॉपर्टी से हटा दिया, अब वो प्रॉपर्टी आपको वापस चाहिए, रिकवरी का मतलब तो यही है। तो अब वो प्रॉपर्टी कैसे वापस लेगा, उसको एनफोर्स करवाओगे सीपीसी में जाके। तो वो यही सेक्शन बोल रहा है, बोलता है ए पर्सन इंटाइटल टू द पोजिशन ऑफ स्पेसिफिक इमोबल प्रॉपर्टी, एक ऐसा कोई भी पर्सन जो कि इंटाइटल है, उसका राइट है किसी इमोबल प्रॉपर्टी को वापस पाने का अधिकार, मे रिकवर इट इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द सीपीसी 1908। वो प्रॉपर्टी को इस तरीके से वापस ले सकता है जैसा कि ऑर्डर नंबर 21 और रूल नंबर आपके 35 एंड 36 ऑफ द सीपीसी में जो भी आपके रिकवरी के रिगार्डिंग उनकी डिक्री की एग्जीक्यूशन बता रहे हैं उसके साथ डील करता है। मतलब एक तरीके से मैनर की बात करेगा कि आपको किस तरीके से इमोबल प्रॉपर्टी को वापस दिलवा के उसके किस मैनर में उसको आप एग्जीक्यूट करवाओगे, ये आपके ऑर्डर नंबर 21 रूल नंबर 35 एंड 36 के अंदर बता रखा है। अब कोई भी पर्सन ऐसा होगा जिसकी प्रॉपर्टी के ऊपर अगर दूसरे पर्सन ने इलीगल कब्जा कर लिया तो उसके साथ ऐसा तो है नहीं कि आप 10 बंदे को लेके जाओगे और उसकी प्रॉपर्टी को वापस ले लोगे, आप लीगल तरीके से लोगे। मतलब पहली कंडीशन ये रहती है कि कोई भी पर्सन ऐसा है उसको इलीगली तरीके से उसको उस प्रॉपर्टी से इजेक्ट कर रखा हो, उसी केस में वो और लीगल तरीके से ही वो प्रॉपर्टी की रिकवरी वापस ले सकता है। ये सेक्शन आपका 5 बोल रहा है। इलीगल तरीका हो सकता है कि कुछ मतलब एन ऑफेंस करके आप उसको घर से बाहर निकाल रहे हो, गुंडे वगैरह कुछ लेके गए उससे आप बाहर बंदे को निकालोगे, वो आपका इलीगल वे होगा। लीगल वे क्या होगा, सेक्शन 5 में अपनी आप ओनरशिप को प्रूव करोगे उसके बाद ये प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी, इसी के रिगार्डिंग आपकी बात कर रहे हैं। तो 5 के अंदर ना एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम समझें तो क्या रहेगा, दो चीज़ कंडीशन रहती है आपकी कि किन कंडीशन को आप पहले पूरा करोगे तब सेक्शन 5 आपका एप्लीकेबल होगा। वो कंडीशन है कि आप उस प्रॉपर्टी के ओनर होने चाहिए, यू आर द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, और दूसरा बोलता है आपको पजिशरी राइट, मतलब पजिशरी टाइटल की एक पर्सन ऐसा जो उस प्रॉपर्टी की पजिशन में बहुत सारे एक लंबे टाइम तक है, 10 या 12 साल 15 साल से उस प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहा है विदाउट द इंटरप्शन ऑफ एनी अदर पर्सन, तो उसका क्या रहेगा, वो पजिशरी राइट आपका क्रिएट हो जाएगा कि मेरा पोजीशन था इस वजह से मेरे को पोजीशनरी राइट चाहिए, अब इसका मैं ओनर हो चुका हूँ, एक आप रियल ओनर हो, तो वो प्रॉपर्टी आपको वापस दिलवाई जा सकती है इन दो कंडीशंस को फुलफिल करके। तीसरा इसके साथ एक सेक्शन आता है 110 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसके अंदर आपका क्या बोला गया है कि कोई भी पर्सन जो उस प्रॉपर्टी की पोजीशन में होगा उसी को आप जनरली क्या बोल दोगे कि एक ओनर की तरह ट्रीट करा जाता है।
पोजीशन के अंदर अगर कोई पर्सन है लंबे टाइम तक, तो उसको प्रेमा फेसाई क्या मान लिया जाता है कि वो उसी का ओनर रहेगा। तो इसी बात के ऊपर सेक्शन 5 के अंदर आपकी ये चीज़ें बता रखी है। 6 के अंदर भी ऐसी ही कुछ चीज़ें दे रखी हैं कि कुछ पोजीशन के बेस पे आपको प्रूव करना है। तो सेक्शन 6 क्या बोल रहा है, 6 में बोलता है कि पर्सन डिसपोजेस्ड ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई पर्सन ऐसा है जिसको डिस्पोजेस कर दिया तो उसको प्रॉपर्टी को वापस दिलवाना। तो 5 और 6 है ना, दोनों सेक्शन के अंदर एक मेन इंपॉर्टेंट आपका जो डिफरेंस रहता है वो ये रहता है कि एक के अंदर आपको बेटर टाइटल और ओनरशिप प्रूफ करनी है, दूसरे के अंदर सिर्फ आपको एक पोजीशन प्रूफ करवाना है। जो सेक्शन 6 होगा उसके अंदर सिर्फ आपको पोजीशन प्रूफ करवाना, आपको वो प्रॉपर्टी आपको प्रीवियसली जो भी आपका पोजीशन होगा उसको प्रूफ करवाओ, आपको प्रॉपर्टी जो है वो वापस मिलेगी। 5 क्या बोल रहा है कि ओनरशिप आपको बेटर टाइटल प्रूफ करना पड़ेगा, उसी केस में आपकी प्रॉपर्टी मिलेगी। मतलब आपका जो सेक्शन 6 है वो 110 के साथ पढ़ोगे। अगर 5 की बात करें तो 5 के अंदर क्या रहेगा कि एक पर्सन ऐसा जिसको सिर्फ अपने ओनरशिप को प्रूव करवाना है। जनरली कोई पर्सन हो सकता है कि आप पोजीशन में थे एक लंबे टाइम से हो, तो 110 आपका सीधा सीधा यही बता रहा है कि आप उसके ओनर समझ लिए जाओगे। लंबे टाइम से उसको यूज़ करोगे तो ओनर समझेंगे, 110 के अंदर प्रिजम्पशन रहेगी, उसी बेस पे वो पर्सन आपका क्या कर सकता है, पोजेसरी टाइटल भी उसको क्लेम कर सकता है। बोलता है कि मैं इतने टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और आज भी मेरे पास इसका पोजीशन था जिसके ऊपर अब मेरे को वहाँ से हटा दिया गया, तो मेरे को ये प्रॉपर्टी वापस मिलनी चाहिए। तो 110 के हिसाब से आप 5 में भी जा सकते हो और 6 में भी जा सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर है ना 6 की बात कर लेते हैं। 6 आपका क्या बोल रहा है कि एक समरी रेमेडी दिलवाने की बात कर रहा है किसी भी पर्सन को। 6 आपका बात कर रहा है शूट बाय द पर्सन डिस्पोजेस्ड ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी पर्सन ऐसा जिसको आपने इलीगली जिस पर्सन को डिस्पोजेस कर दिया, अब उसको वापस प्रॉपर्टी वो दिलवानी है। सेक्शन 6 क्या बोल रहा है, इफ एनी पर्सन इज डिस्पोजेस्ड विदाउट द कंसेंट ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी अदरवाइज। अब आपका ना यूँ बोलता है कि एक ऐसा पर्सन जो एक प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी थी उसकी पोजेशन में थी, अब उस पर्सन की बिना कंसेंट के और लॉ के तरीके से अदरवाइज जाके, मतलब अदरवाइज इन क्या होगा, लीगल तरीके से नहीं बल्कि उसको इलीगल तरीके से उसको घर से बाहर निकाल देना। ये लिखा है, इफ़ एनी पर्सन इज डिस्पोजेस्ड विदाउट हिज कंसेंट, एक पर्सन को डिस्पोजेस कर दिया बिना उसकी कंसेंट से, कहाँ से निकाला गया, इमूवेबल प्रॉपर्टी में से, अदरवाइज देन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ के तरीके से, अदरवाइज जाके मतलब लॉ के तरीका जो भी होगा लीगल तरीका, उससे बाहर कहीं पे इलीगल तरीके से उसको डिस्पोजेस किया गया। तो इंग्रेडिएंट निकलेंगे कि एनी पर्सन होगा विदाउट कंसेंट उसकी डिस्पोजेशन की गई, एक इंग्रेडिएंट। दूसरा बोलता है कि उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी में से निकाला गया, तीसरा उसको इलीगली उसको निकाला गया। तीन इंग्रेडिएंट यहां तक हो चुके। और फिर आपका बोलता है ही और एनी पर्सन थ्रू होम ही हैज़ बीन इन द पोजिशन ऑफ एनी पर्सन, क्या बोल रहा है ही और एनी पर्सन के अंदर 2018 की आपकी अमेंडमेंट है ये। 2018 में बोलता है कि थ्रू होम ही हैज़ बीन इन द पोजिशन और एनी पर्सन क्लेमिंग थ्रू हिम। अब हो सकता है कि हस्बैंड और वाइफ घर में रह रही है। अब हस्बैंड वाइफ क्या है कि कहीं बाहर कंपनी में जॉब करते हैं, तो एक घर ले लिया रेंट पे और वो रह रहे हैं। अब वाइफ के नाम पे क्या है, वाइफ जो है वो रेंट एग्रीमेंट अपने नाम से लेके बैठी है, उसको घर में रखा हुआ है, लेकिन उसको जो प्रॉपर्टी मिली वो अपने हस्बैंड के थ्रू उसके पोजीशन में गई है। तो उस वाइफ को अगर घर से बाहर निकाल देंगे तो ऐसा समझा जाएगा कि उस हस्बैंड को भी घर से बाहर निकाल दिया। तो वाइफ के बेस पे उसके बिहाफ पे क्या हो सकता है कि वो हस्बैंड भी केस फाइल कर सकता है उसके इजेक्टमेंट के खिलाफ। मतलब जैसे एक एग्जांपल ये है, एक और एग्जांपल कुछ भी ले सकते हैं कि ए एक पर्सन है उसको मकान दिलवाया बी ने और मकान दिलवा रखा सी का। ए पर्सन मकान लिया, दिलवाया किसने, बी ने, और मकान किसका था, सी का। अब जो पर्सन ए है जो प्रॉपर्टी की पोजीशन लेके बैठा है जो मेन टेनेंट है, उस पर्सन को अगर उस सी पर्सन ने घर से बाहर निकाल दिया तो बी पर्सन का भी यहाँ पर राइट रहेगा, क्योंकि बी के थ्रू उस ए पर्सन ने वो प्रॉपर्टी परचेज करी थी। अब ए ने जो एक्वायर करी प्रॉपर्टी वो बी के थ्रू कर रखी है, तो ए के बिनाम पे क्या कर सकता है कि जो बी पर्सन है वो फाइल कर सकता है इजेक्टमेंट का, इन केस द लैंडलॉर्ड इजेक्ट द टेनेंट। इलीगल तरीके से अगर उसको बाहर निकालोगे तो वो पर्सन भी। अब ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज में क्या बोल रहा है कि एक कोई पर्सन जो या तो खुद अपनी प्रॉपर्टी को खुद के थ्रू अपनी प्रॉपर्टी लेके बैठा उसको बाहर से निकाल दिया, दूसरा ऐसा कोई पर्सन जो किसी दूसरे पर्सन के थ्रू, एक ए पर्सन किसी बी पर्सन के थ्रू अगर प्रॉपर्टी के पोजीशन में आएगा और उस ए पर्सन को घर से बाहर निकाला गया, तो यहाँ पे बी पर्सन का भी राइट रहेगा कि वो भी शूट फाइल कर सकता है उस इजेक्टमेंट के खिलाफ, कि उस ए पर्सन को जिसको इजेक्ट किया उसको वो प्रॉपर्टी वापस दिलवाई जाए। तो यही इसके अंदर एनी पर्सन का मतलब रहेगा, थ्रू हुम ही हैज़ बीन इन द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी। अब किसी के थ्रू मतलब एक और एग्जाम्पल होता है कि आप अपना मोबाइल ठीक करवाने के लिए किसी रिपेयरिंग शॉप पर रखे आए, अब उस शॉप से किसी और पर्सन ने वो प्रॉपर्टी उठा ली, तो उस जिसने प्रॉपर्टी उठाई है सी पर्सन ने, उसके खिलाफ राइट किसका रहेगा शूट फाइल करने का, आपका तो है ही है क्योंकि आप ओनर हो, आपको प्रॉपर्टी वापस चाहिए। दूसरा उस
शॉपकीपर का भी रहेगा, जो मोबाइल रिपेयर होगा ना, रिपेयर करने वाला, उसका भी राइट रहता है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी उस पर्सन ने आपके थ्रू एक्वायर कर रखी है, तो उस पर्सन का भी राइट रहेगा, वो भी पर्सन आपका शूट फाइल कर सकता है उस प्रॉपर्टी को रिकवर करने के लिए। ये सेक्शन 6 के अंदर आपकी थ्रू होम ही हैज़ बीन इन द पोजिशन की लाइन को कवर करते हैं। क्लेमिंग थ्रू हिम मे क्या कर सकता है, बाय शूट रिकवर द पोजिशन देयर ऑफ, उस शूट फाइल करने के थ्रू वो प्रॉपर्टी को दोबारा से एक्वायर कर सकता है, उसको रिकवर कर सकता है। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग अदर, आपका क्या रहेगा, अदर टाइटल दैट मे बी सेट अप इन सच शूट, बेशक उसके अंदर उसका टाइटल किसी और का, कुछ और टाइटल बनता हो, कुछ भी हो, उसके होते हुए भी जिस पर्सन के थ्रू और जिस पर्सन की एक्चुअल पोजीशन थी उसको बाहर निकालते हैं, तो वो शूट फाइल करेंगे उस ई मोबाइल प्रॉपर्टी को रिकवर करने का। अब जो एग्जांपल दिया था वो आपका मोबाइल वाला मोबाइल प्रॉपर्टी है, लेकिन उसको आप समझोगे ई मोबाइल की तरह कुछ और प्रॉपर्टी के अंदर, तो समझ में आ जाएगा। सिर्फ ये आपकी समझने के लिए था कि ई मोबाइल प्रॉपर्टी आपकी जो भी इंक्लूड करोगे वो। सेकेंड बोलता है नो शूट अंडर दिस सेक्शन शैल बी बोट, अब यहाँ पे क्या है कि सेक्शन 6 के ऊपर कुछ लिमिटेशन लगी हुई है कि आप किन किन सिचुएशन में शूट फाइल आप नहीं कर सकते। एक तो गवर्नमेंट का केस होगा, दूसरा आपका अगर 6 महीने के अंदर आपने शूट फाइल किया तो आपका राइट इन्फोर्स होगा, अदरवाइज आपका राइट इन्फोर्स नहीं करा जाएगा। सेकंड में क्या बोलता है, नो शूट अंडर दिस सेक्शन शैल बी बोट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द डिस्पोजिशन, अगर कोई पर्सन जिसको एक्चुअली डिस्पोजेस कर दिया गया उस डिस्पोजिशन वाले डेट से लेके आगे का 6 महीने तक का, उसको आप क्या करोगे, लिमिटेशन पीरियड दे दोगे। उस 6 महीने के अंदर उसने शूट फाइल नहीं किया तो उसका लिमिटेशन पीरियड खत्म हो जाएगा, उसको बाद में शूट फाइल करने नहीं दिया जाएगा। सेकंड आपका बोलता है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने अगर आपकी प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली तो भी आपका कोई राइट नहीं बनता कि आप उसकी प्रॉपर्टी का पोजीशन वापस लोगे, लेकिन कुछ आपको एक्सेप्शन भी इसकी दे सकते हैं एक तरीके से, कि आपको बेटर टाइटल प्रूफ करना पड़ेगा, उस केस में आपको हो सकता है उसकी प्रॉपर्टी की आपको पोजीशन वापस दिलवा दी जाए। ये जो आपका सेकंड क्लोज है ये आपका एक तरीके से एक्सेप्शन और रिस्ट्रिक्शन की बात कर रहा है, सेक्शन 6 के ऊपर कुछ तरीके की रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। थर्ड क्लोज बोलता है नो अपील शैल लाई फ्रॉम, मतलब आप क्या करोगे, ऊपर वाला जो ऑर्डर आएगा जो इनके खिलाफ, उसके खिलाफ आप किसी तरीके की अपील ये नहीं लगा पाओगे। नो अपील शैल लाई फ्रॉम द ऑर्डर और द डिग्री पास्ड इन एनी शूट इंस्टीट्यूटेड अंडर दिस सेक्शन, सेक्शन 6 के अंदर जो भी आपने अपने कोई ऑर्डर लेने के लिए जो भी शूट फाइल किया था पोजीशन प्रॉपर्टी का पोजीशन वापस लेने के लिए, उसके खिलाफ जो भी आपका ऑर्डर या फिर डिग्री आएगी उसके खिलाफ आप अपील नहीं लगा पाओगे, ना ही उसके खिलाफ आप क्या कर सकते हो, रिव्यू की पिटीशन लगा सकते हो। क्या लिखा, नोर शैल एनी रिव्यू ऑफ एनी सच ऑर्डर और डिग्री बी अलाउड, इसका मतलब क्या हो सकता है कि आपको अलाउड किया जा सकता है रिवीजन लगाने के लिए, रिवीजन आपकी अलाउड कर दी जाएगी, रिव्यू और अपील आपकी इस सेक्शन के अंदर जो भी शूट फाइल करोगे उसके अंदर जो भी ऑर्डर डिग्री आएगा उसके खिलाफ आपकी अपील और रिव्यू नहीं लगाया जाएगा, बल्कि आप रिवीजन के लिए अलाउड करे जाओगे। नेक्स्ट बोलते नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बार एनी पर्सन फ्रॉम शोइंग टू एस्टेब्लिश हिज टाइटल टू सच प्रॉपर्टी एंड टू रिकवर द पोजीशन देयर ऑफ, अब क्या हो सकता है कि सेक्शन 6 के अंदर आपने पोजीशन की बात करी है, 110 आपका एविडेंस एक्ट में क्या बोल रहा है कि जिसकी भी पोजीशन में होगा उसको ओनर मान लिया जाएगा। अब उस पर्सन को आपने डिस्पोजेस कर दिया तो ओनरशिप तो खत्म हो गई, 110 की एप्लीकेबिलिटी खत्म। अभी वो बोलता है कि आपकी प्रॉपर्टी अगर गवर्नमेंट ने एक्वायर करी या फिर 6 महीने हो चुके हैं उस प्रॉपर्टी को डिस्पोजेस किए गए लेकिन आपने अब तक शूट फाइल नहीं किया, तो बाद में आपके पास क्या करने का है, सेक्शन 5 में जाओगे ऊपर और जाके बोलता है कि बेटर टाइटल आप प्रूव कर दो, आपको वो प्रॉपर्टी वापस दिलवा देंगे। 6 के अंदर एक तरीके से एक इंट्री में रिलीफ भी दी जाएगी, उसके रिगार्डिंग एक केस का नाम लिख लो आप, रमेश देवचंद पाला, रमेश देवचंद पाला PALA वर्सेस जयंत कुमार जी डॉट मदानी 1998 गुजरात का केस है। क्या बोलता है, रमेश देवचंद पाला वर्सेस जयंत कुमार जी एंड मदानी 1998 गुजरात का। बोलता है हेल्ड द कोर्ट हैज एम्पल पावर अंडर सेक्शन 6 टू ग्रांट इंट्रीम रिलीफ, क्या बोल रहा है, द कोर्ट हैज द एम्पल पावर अंडर सेक्शन 6 टू ग्रांट द एंट्री रिलीफ बाय डायरेक्टिंग टू रिस्टोर द पोजिशन, प्रॉपर्टी का जो रिस्टोरेशन है प्रॉपर्टी का उसके थ्रू, रिस्टोरेशन ऑफ पोजिशन विच एग्जिस्टिंग बिफोर फाइलिंग ऑफ द शूट। दोबारा बोल देता हूँ, एक बार लिख लेना, बेर के भी लिख लो इसको, द कोर्ट हैज द एम्पल पावर अंडर सेक्शन 6 टू ग्रांट द इंट्रीम रिलीफ बाय डायरेक्टिंग टू रिस्टोर द पोजिशन विच एग्जिस्टेड बिफोर फाइलिंग ऑफ द शूट, शूट को फाइल करने से पहले जो उसका राइट एग्जिस्ट करता है उसके थ्रू उस कोर्ट की एक एम्पल पावर दे रखी है अंडर सेक्शन 6 के अंदर की, वो आपका इंट्री में रिलीफ भी उसको ग्रांट कर सकता है। केस का नाम का रमेश देवचंद पाला वर्सेज जयंत कुमार जी मदानी 1998 गुजरात हाईकोर्ट का केस है। इससे फालतू इस सेक्शन के अंदर और ज़्यादा कुछ पढ़ने की चीज़ है नहीं, चार बातें आती हैं, सीधी सी बात है कि कोई पर्सन ऐसा
जो इमोबल प्रॉपर्टी का पोजेशन रखता है उसको इलीगल तरीके से डिस्पोजिस कर दिया गया और वो पर्सन उस डिस्पोजिशन के बाद 6 मंथ के अंदर सूट फाइल करेगा। दूसरा आपको बोलता है कि इलीगल तरीके से उसको निकालना पड़ेगा, अगर कोई पर्सन उसको इलीगल तरीके से निकालेगा तभी ये सेक्शन 6 की एप्लीकेबिलिटी होगी। लॉ के थ्रू निकालोगे तो कोई भी आप केस फाइल कर ही नहीं सकते हो। अब जनरली कोई भी अगर रेंट पे रह रहे हो और उसको आपने इजेक्टमेंट करनी है तो सेक्शंस के अंदर जाओगे, इनके जो भी ग्राउंड्स होंगे लीगल तरीके से कोर्ट में जाके उसको अगर इजेक्ट करोगे तो सेक्शन 6 आपको एप्लीकेबिलिटी नहीं देगा, बोलता है कि आपको वो पोजीशन बैक नहीं दिया जाएगा। ये सेक्शन आपके 5 और 6 की बात कर रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के। नेक्स्ट वीडियो के अंदर सेक्शन 7 और 8 को कवर करेंगे जो आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ डील करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।